घबरा गए क्या? ये रहा तुम्हारा रिवॉल्वर। ये रिवॉल्वर का ही सीन है। तो खबरी क्यों बना? उसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुझे कुछ लेना देना नहीं है तो फिर रामनगर की पुलिस मुझे दिन रात पागल कुत्तों की तरह क्यों ढूंढ रही है? डिपार्टमेंट का आदमी हूँ, मेरे गिरेबान पे हाथ डालोगे तो पता है ना क्या होगा। क्यों रे, मुझसे पैसे लेकर घर खरीदता है, शराब पीता है, लड़कियां मंगवाता है, इतना ही नहीं मेरे लोगों का एनकाउंटर भी करता है। लेकिन अब बाजी पलट गई, इसलिए अपनी गन उठाकर अपने आप को शूट कर ले। अगर मैंने गन उठा ली तो तेरा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, फैसला तेरे हाथ में है। ए, इसमें लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रहा हूं। ये अगला सीन। Tomorrow's headlines will be yours. Sign on, baby. सब इंस्पेक्टर रामनाथ ने सुबह सुबह एक होटल के टेरेस पर जाकर खुदकुशी कर ली है। सब इंस्पेक्टर रामनाथ ने अपने ही गन से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। ए, सब चुप हो जाओ। साहब, किसी ने मारा है, किसी ने उनका खून किया है। साहब, जिस किसी ने भी ऐसा जुल्म किया है उसे हमारे सामने लाकर जी भर के मारिए सर। कानून के रखवालों पर ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। सरकार की पगार से कोई आलीशान बंगला बना सकता है? इतना ऊपर उड़ने का आखिर उसके पास पैसा आया कहाँ से? माना बीवी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए 200-400 की रिश्वत लेते हैं, लेकिन तुम लोग उसे फॉरन पेपर में छाप के हमारी धज्जियां उड़ाते हो। आज जिसे तुम देवता देवता कह के चिल्ला रहे हो, पीठ पीछे बहुत गलत काम किया करता था। हमने उसे हजारों बार इन्फॉर्म किया लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। पेपर्स, फेसबुक और सिग्नल्स, वो सभी को नकारता रहा। पता है, तुम्हारा देवता जितना सयाना था उससे कहीं ज्यादा सयाना ऊपर वाला है। तुम्हारी झूठी पुकार तो वो भी नहीं सुनेगा। सरकार से घोषित हुआ पैसा वो हमें दिलाने वाले थे, अब भगवान के बाद आप ही का सहारा है, हमें हमारे पैसे दिलवा दीजिए। मैंने कब कहा कि तुम्हारा पैसा नहीं आएगा? आएगा, कल भी आ सकता है या 4 साल बाद भी आ सकता है। तुम सब लोग एक एप्लीकेशन लेके चले जाओ, इन सबको डिसमिस करो यहाँ से, जाओ। मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ, एक दिन तू पागल होकर कुत्ते की मौत मरेगा, हमें इंसाफ दिलाने वाला एक दिन जरूर आएगा। ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान? मैं जाकर पूछ कर आऊं क्या? पर कैसे जाएगा तू? देख, कैसे जाऊंगा? सुरेश, हाँ बोल। अकड़ी खुली थी क्या? इसे लगा ले वरना मार खानी पड़ेगी। मामा, अब आप मुझसे दूर मत जाइएगा। मामा, आप दूर जाते हैं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपका नाम क्या मैडम? रत्नकला। रत्नकला, आपका नाम क्या है? तूने कब पैसे दिए थे? ए, बता इनका कितना पैसा था? कितने पैसे थे? थैंक यू शिवाजी। थैंक यू सर। वेल डन। सबको नमस्कार, मैं शिवाजी। आज जी की परमिशन से आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। इस धरती पर पैदा होने वाले हर प्राणी का एक जीवन है, लेकिन कोई भी अपना जीवन जी नहीं पाता है। 5 साल में एक बार सरकार का चुनाव होता है, लेकिन अब हर 6 महीने में सरकारें गिर जाती हैं। बात सुनकर काम देखकर वोट देने का जमाना गया।
नोट से वोट खरीदने का जमाना आ गया, इसीलिए जिसकी हैसियत है वो ऐशो आराम से जीता है और जिसकी हैसियत नहीं है वो खुद को बेचता है। अनाज नकली, दाल नकली, चेक भी नकली, दौलत भी नकली, सीट नकली और सीट पर बैठने वाला भी नकली, सर झुकाकर जीना नकली, सर उठाकर जीना भी नकली, हर चीज नकली। जिसके पास पैसा नहीं है वो खुद को बेच देता है, जिसके पास पैसा है उसे पैसा प्यारा है, रुतबा प्यारा है, इज्जत प्यारी है, धर्म प्यारा है। सोच कर इंसानियत दिखाने वाले यहाँ 40% लोग हैं, लेकिन सोचे बिना मरने वालों की संख्या 60% है। एक कुत्ता जब जान बचाते हुए भागता है तो दूसरा कुत्ता उसके पीछे भागते हुए भागता है। 40% लोग 60% को उसी तरह से भगाते रहते हैं। अगर वो 60% सोच ले तो उन 40% को सीधा कर सकते हैं। आखिर में बस इतना ही कि झूठी शान कभी छुपती नहीं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सुरेश, रमेश, अब दिन में एक वक्त ही खाएंगे लेकिन मेहनत की खाएंगे। क्या हम मेहनत कर पाएंगे सुरेश? मैं जानता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, बार बार एक ही बात बोल के मेरी जान मत खा रमेश। अरे रिपीट तो तू कर रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा सुरेश। इस समय हमारे स्टेट की कुल आबादी है 7,66,00,000 और इसमें वोट डालने का अधिकार है सिर्फ 5,79,00,000 लोगों को। और वोट देते कितने हैं? 3,25,00,000 लोग। जनता का नायक बनने के लिए पूरे 1,62,50,000 और 1 वोट चाहिए, तब बनूंगा सीएम। मेरा टारगेट है 2,00,00,000 वोट। अगर 1 वोट के लिए दिया 10,000 रुपए तो 2,00,00,000 के लिए कितना देना पड़ेगा? भाई हिसाब किताब में एकदम पक्के। तुम्हारी एनर्जी बहुत ही अच्छी है। ये बताओ कि खाते पीते क्या हो तुम? अगर पहले बता देते तो तुम्हारे जिस्म की एक हड्डी नहीं छोड़ता मैं। इस समय हमारे स्टेट की कुल आबादी है 7,66,00,000 और इसमें वोट डालने का अधिकार है सिर्फ 5,79,00,000। क्यों है? अपनी जनता को लूट कर उन्हें ख्वाब दिखाने का इरादा है क्या तेरा? अपने ही लोगों को लूट कर राज करने वाले हमारे देश में कम है क्या सर? पूरे 1,62,00,000 फर्ज के लिए जान देने वाले को इंसान कहते हैं, लेकिन जो लोग फर्ज के रास्ते से हट जाते हैं उनका भगवान ही मालिक है। जनता को लूट कर अपनी तिजोरी भरने में कम नहीं हो तुम? जो बोल रहा है ना, अगर इसे सही में करेगा ना तो रेट डाल के अंदर कर दूंगा। इस समय हमारे स्टेट की कुल आबादी है 7,66,00,000 और इसमें वोट डालने का अधिकार है सिर्फ 5,79,00,000 लोगों को। और फिर से शुरू हो गया भाई। 3,00,00,000 बाद में एग्जाम देगा तो पास हो जाएगा। जनता का नायक बनने के लिए ये है डिप्रेसिव साइकोसिस, इससे रिकवरी बहुत मुश्किल है। 50,000